तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर लेके आए हैं। रेलवे में 3553 पदों पर भर्ती एवं पर भर्ती 6 फरवरी या इसकी अंत तिथि, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप। जल्दी से जल्दी करिए, नहीं तो आपको देर ना हो जाए। रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 RRC, ठीक है। देखिए जैसे कि रेलवे में लगातार नौकरी के लिए आवेदन निकाले जा रहे हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। युवाओं भर्ती रेलवे, इंडियन रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जैसे कि रेलवे में कुल मिला के आपको 3553 पदों पर भर्ती की जा रही है, तो इसके लिए आवेदन की करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2020 है। तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए, 2020 और 6 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है। तो जल्दी से जल्दी, जो लोग हमारे भाइयों दोस्तों नहीं किए हैं, उसके लिए आवेदन 6 फरवरी तक ही है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते आइए, आते हैं नेक्स्ट खबर लेकर। जैसे कि नेक्स्ट खबर हमारा देख रहे हैं, हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चौथी खबर बहुत बड़ी खबर लेकर निकले हुई है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 बायोलॉजी का पेपर है आसान, 39 नकल चिन्ह निकासित, ठीक है। बिहार इंटर वार्षिक परीक्षा 2020 के तीसरे दिन जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और वोकेशनल कोर्स के प्रोडक्शन की वर्ष चली गई। परीक्षा केंद्र से निकले ज्यादातर परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को बताया आसान। तीसरे दिन की परीक्षा की प्रथम पाली की जीव विज्ञान 2,84,648 परीक्षार्थियों में शामिल होने का था, वही दूसरे दिन पाली में 96,890, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट खबर लेके आएंगे, जरूर आगे चैनल पे लगे रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और ज्यादा ज्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरी खबर, सुपरस्टार रजनीकांत ने खुद अपने इंटरव्यू के बयान में बोला कि मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, NPR को बताया बहुत आवश्यक बात। जैसे आप देख सकते हैं नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच सुपरस्टार रजनीकांत का बड़ा बयान। फिल्म अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत ने बुधवार को संशोधन नागरिकता कानून के CM का समर्थन किया और कहा कि इस कानून से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। रजनीकांत ने NPR का समर्थन किया और कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या राष्ट्र बहुत आवश्यक है। चलो दोस्तों लेके आते हैं चौथी खबर, जैसे कि आप चौथी खबर देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर लेकर निकली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं शाहीन बाग बुरका वाले, जिस महिला को पुलिस ने पकड़ा था उसे खुद फॉलो करते हैं PM मोदी। आप इस खबर को देख सकते हैं, इस ट्वीट में वह लिखती है कि मुझे नए साल का सबसे बड़ा कोई तोहफा नहीं मिल सकता है, मैं PM मोदी का आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे फॉलो किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं PM मोदी करते हैं गुंजन कपूर को फॉलो। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं, और इसकी क्या राय है, क्या सोचना है जरूर बताएं, और चैनल बनाए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।